मेहमान, मेरा नाम राहुल है और आज आप क्रिक फ्लिक्स अकेडमी में हैं। मैं यहाँ पे एज एन बैटिंग कोच काम करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इतने बड़े पेंडेमिक में हर जगह जो चीज़ें रुकी हुई हैं, धीरे धीरे स्लोली चल रही हैं, चलना स्टार्ट हुई हैं, उसी प्रकार क्रिकेट भी है। जैसे कि BCCI ने अभी रणजी ट्रॉफी को और अंडर 19 क्रिकेट को स्टार्ट करने का फैसला लिया है, तो उसी के तर्ज पे जो हमारे कुछ प्रोफेशनल बच्चे हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी ना किसी स्टेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने अपने सेशन को स्टार्ट किया है। और कोरोना का ध्यान रखते हुए, स्पेशली सारी चीज़ों की सब प्रिकॉशंस को लेते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने अकेडमी को स्टार्ट किया। बढ़िया बढ़िया, पहले से बेटर है बहुत। चलो 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 चलो, रहने 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 दे। गुड बात, अगर बंद रहेगा ना तो टारगेट दिखेगा, ये खुलते ही सारी ये चीजें दिखने लग जाती हैं, समझ में आ रहा है ना। ये बायो मैकेनिक है, ये आप बंद हो तो आपकी नजर सिर्फ टारगेट पे है, क्योंकि आपका एक तो टारगेट को फेस कर रहा है, पॉइंट टूवर्ड्स द टारगेट है, ये आर्म टूवर्ड्स द टारगेट है, ठीक है ना। और जैसे ही ये नीचे गिर गया, ये नीचे गिरते ही बॉडी ऑलवेज स्लो डाउन बाहर की तरफ, समझ में आ गया है ना। यहाँ से आएगा फर्स्ट, इसे हमेशा ध्यान रखना है इसमें, इसीलिए कह रहा हूँ ताकत बना थोड़ी सी। ये होल्ड की ताकत जब तक नहीं आएगी ना, ये होल्ड की ताकत जब तक नहीं आएगी तब तक पूरा बैट नहीं जाएगा सामने। और ये जो आँख है ना, ये आँख बननी चाहिए इधर से, ये आँख आँख ऐसी रहनी चाहिए। ये देख, ये देख फिनिश, देखिए देख यहाँ, यहीं पे फिनिश हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलो सामने हिट करना है, होल फ्रंट फुट, फ्रंट फुट बोल, शाबाश। कंट्रोल आना जरूरी है, ये जो ड्रिल है ना, इस ड्रिल से बेसिकली कंट्रोल आता है। जैसे जितना हम बैटिंग करते वक्त सामने का बॉल फेस करते हैं, जितना बॉल सामने से हिलता है, इधर बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, जब आप खेलने के लिए जाते हो आपको पोजीशन में अटैकिंग पोजीशन रखना पड़ता है, अपने आप को स्टार्ट रहना पड़ता है। एक इनिशियल जो मूवमेंट होता है ना, जो आपका ट्रिगर मूवमेंट जिसको बोलते हैं, अगर आप सिंपल आके ऐसे सीधा मार रहे हो, बॉल हिल रहा है, वो कैरी करेगा बाहर, समझ में आ रहा है ना। इसलिए हमेशा याद रखो कि कभी भी बॉल को जब मारो तो आपका जो आई है वो नीचे होना चाहिए बॉल के ऊपर, बिल्कुल हेड के नीचे बॉल कमिट करो, बॉल को यहाँ कमिट करो, इधर बॉल को उधर कमिट मत करो, समझ में आ रहा ना।